ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का मैं यहाँ पे प्लान बताया था और इसका मैं सेक्शनल नहीं बता पाया था क्योंकि कुछ तकनीकी कारणों की वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सेक्शनल किया हूँ, क्वेश्चन के अनुसार जो सेक्शनल हुआ है मैं यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार सेक्शनल कर दिया हूँ। देखिए सेक्शनल लाइन भी कैसे करते हैं, एक लाइन खींचे फिर दो डॉटेड, एक लाइन दो डॉटेड, एक लाइन दो डॉटेड, तो ऐसे आपका सेक्शनल लाइन रहता है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, तो जितनी ये है सभी का प्रोजेक्शन नीचे ले लेंगे। देखिए यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन, इसका इसका, फिर ऐसे इसका प्रोजेक्शन आया है, ये सभी का प्रोजेक्शन आप नीचे ले लेंगे। तो सबसे पहले जो प्रोजेक्शन लाइन नीचे आएगा उस पर एक जीएल लाइन ले लेंगे, जीएल लाइन ले लिए, इसके ऊपर एक पीएल लाइन ले लेंगे। पीएल लाइन मतलब होता है प्लिंथ लेवल और जीएल मतलब होता है ग्राउंड लेवल। और पीएल लाइन से 3.5 मीटर पे आप आरसीसी स्लैब ले लेंगे जो रूफ होता है 12.5 सेंटीमीटर होती है, यहाँ से यहाँ 12.5 सेंटीमीटर का आरसीसी स्लैब ले लेंगे और इसके ऊपर पैराफेट लगा लेंगे। पैराफेट की हाइट होती है 75 सेंटीमीटर, तो आप पैराफेट लगा लिए और आरसीसी स्लैब के ऊपर आप 10 सेंटीमीटर मड फंस का और इसके ऊपर ब्रिक टाइल लगा लेंगे 20 × 10 × 3.5 सेंटीमीटर का, ठीक। और यहाँ पे देखिए ये हमारा WYV इसलिए लिखे हैं, विंडो है, फिर उसके ऊपर क्या है, वेंटिलेटर है, तो यहाँ पे वेंटिलेटर है। वेंटिलेटर चूंकि छत के पास होता है तो मैंने वेंटिलेटर यहाँ पे दिखा रखे हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका सनसेट इसके सनसेट से, विंडो के सनसेट से थोड़ा छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि वेंटिलेटर के लिए छोटा ही होता है, 45 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ से यहाँ 45 सेंटीमीटर आप स्क्रीन पे ले लोगे। इसके नीचे आप देखिए ये एक इस दीवार में कहाँ फिट करोगे, तो ये जर्नली क्या होती है, जो डोर होती है डोर के हाइट पे फिट किया जाता है। डोर की हाइट कितनी होती है, 2 मीटर। अगर इसको आप स्केल पे लोगे तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर पे 15 सेंटीमीटर और फिर यहाँ से यहाँ तक वही सनसेट की जितने यहाँ से यहाँ जो है 60 सेंटीमीटर है और फिर यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 7.5 सेंटीमीटर पे एक लाइन ले लोगे। तो ये हो गया आपका विंडो का सनसेट, ठीक। अब यहाँ से यहाँ विंडो कितना लगाओगे, तो 1.5 × 1.2 का हमारा विंडो यहाँ पे लगा है, तो 1.2 यहाँ से यहाँ आप आ जाओगे, ठीक। तो ये सब मैं एक्चुअल लेंथ बता रहा हूँ, आपको किस पे आना है, तो स्केल पे आना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक आप पीएल लाइन लिए थे, पीएल लाइन ये बना लिए थे, ठीक है। क्योंकि ये दीवार कट रही है, इसके नीचे फाउंडेशन होगा, तो यहाँ पे क्या है, डीपीसी की परत है। डीपीसी कितनी होती है, डीपीसी कितनी होती है, 40 mm, 25 mm से 40 mm होती, तो हम 40 mm यहाँ पे ले रखे हैं, ठीक। और यहाँ पे लाइन दिखा दिए हैं क्या प्लिंथ लाइन है, और यहाँ से यहाँ तक देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है फ्लोर फिनिश CC, ठीक। वो होती है 3.5 सेंटीमीटर। इसके नीचे मैंने बेड कंक्रीट डाले हैं, बेड कंक्रीट 10 सेंटीमीटर का होता है, 1 × 4 = 8 का। इसके नीचे सैंड फिलिंग कर देंगे 20 सेंटीमीटर और नीचे जो भी बचेगा जीएल तक उसमें कंपेक्टेड अर्थ भर देंगे। और यहाँ से यहाँ देखिए मैंने एक फाउंडेशन का वीडियो बना रखे हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ से कंक्रीट ब्लॉक की चौड़ाई कितनी आएगी, 2T + 30 से आप कंक्रीट ब्लॉक की चौड़ाई निकाल लोगे, जो आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। जनरली जितनी चौड़ाई होती है उतनी गहराई रख देते हैं, तो ये भी 70 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे आप 15 सेंटीमीटर, फिर आ जाएंगे 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये कितने की रहेगी, यहाँ से यहाँ तक रहेगी 40 सेंटीमीटर की, 30 सेंटीमीटर की, 20 सेंटीमीटर की आपकी मिल गई। तो जैसे ये फाउंडेशन बना है वैसे यहाँ पे फाउंडेशन बन जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे इसका भी कट रहा है, तो इसका फाउंडेशन मैंने यहाँ पे दिखा रखे। इसके सामने देखिए, इसके सामने यहाँ पे जो बाथरूम है उसका डोर कट रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए ये बाथरूम है, इस पे मैंने डोर कटा हुआ दिखा दिया है। ये कंक्रीट स्लैब है, यहाँ से यहाँ तक जो कंक्रीट रहती है, कंक्रीट भरे हैं, इसी के अनुसार ये भर देंगे कंक्रीट, यहाँ पे डोर दिखा देंगे। इसके सामने देखिए ये जो है डायरेक्ट इसी कटा है ना, तो एक लाइन ऐसे इसको ड्रा कर दें, इसी कटी हुई लाइन को देखिए, यहाँ से इसी कटी हुई लाइन पे आया है, ठीक है। तो ये कटी हुई लाइन है, इसके नीचे देखिए ऐसे कटा है, तो इधर का तो पोर्शन निकल गया, यहाँ से यहाँ हाफ डोर बचा, तो हाफ यहाँ पे डोर दिखा दिए हैं। फिर इसके इधर विंडो ये बचा हाफ विंडो, तो ये हाफ विंडो दिखा दिए हैं। इसके ऊपर देखिए DYP लिखे हैं, चूंकि वेंटिलेटर है, यहाँ पे वेंटिलेटर दिखा रखे हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए SW ये है सर्विस विंडो, जब ये निकल जाएगा पोर्शन ये सर्विस विंडो बचेगा, जो सर्विस विंडो मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं। इसके नीचे चूंकि यहाँ पे मैंने ब्रिक लाइन दिखाया है, क्यों दिखाया है, क्योंकि मैंने तो फाउंडेशन दिखा दिया है ड्राइंग, तो ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय भी बहुत कम रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आप ब्रिक लाइन दिखा दिए हैं, इससे एग्जामिनर समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए मैं प्लान बताया था, तो प्लान में मैं बताया था कि मैं जो D1, D2, W1, W2 है उसके बारे में बताऊंगा, तो देखिए उसमें नहीं बता पाया था तकनीकी कारणों की वजह से, इसमें बता रहा है शेड्यूल ऑफ डोर एंड विंडो। देखिए डोर टाइप D 1:2 मीटर है, फिर डोर
डो टाइप डी वन 0.9 × 2 मीटर है, ऐसे ही डी टू डी थ्री है। अब देखिए विंडो डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब सबसे बड़ा 1.5 × 1.2 मीटर है, और फिर डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री ऐसे है। एच एल डब्ल्यू एफ वेंटिलेटर 0.6 × 0.3 मीटर है, ठीक है। तो ये आपका जो भी लगाए थे वो एच एल डब्ल्यू या वेंटिलेटर कहाँ लगे थे, डब्ल्यू सी और बाथरूम में लगे थे, ठीक है। उसके लिए देखिए यहाँ पे जो सनसेट है डायरेक्ट मैंने दे दिए थे, ठीक है। यहाँ पे मैं ये दिखा दे रहा हूँ, ये तो केवल सेक्शनल वीडियो है, इसका प्लान वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको पूरी पूरी बातें समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए डब्ल्यू सी मतलब क्या था, वाटर क्लोजेट, सी वी मतलब था कपबोर्ड जो फाइव मतलब आधी मीटर वाइड था, यस मतलब सिंक था। सिंक को जनरली आप 30 सेंटीमीटर वर्गाकार में आप बना लोगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद था ई एक्स एफ मतलब एग्जॉस्ट फैन जो होता है 0.3 मीटर फाई मतलब उसकी डाया, ठीक है, डाया डाया में बनाया जाता है, क्योंकि 30 सेंटीमीटर डाया रख सकते हैं। डब्ल्यू बी मतलब वॉश बेसिन, एस डब्ल्यू मीन सर्विस विंडो, ठीक है। सर्विस विंडो की माप कितनी होती है, 30 × 30 सेंटीमीटर, ठीक है। जो आर डायमेंशन, आर इन किस में होता है, मीटर में, पूरी इसीलिए मीटर में हम बता रखे हैं, ठीक है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे दूसरों को भी भला हो सके, आपके दोस्त भी पढ़ लें।